Hello guys, myself Kalpana. I am from a teaching profession. I was an art teacher in one school from last 25 years, and I'm working still for the students. Actually, आज भी ये वीडियो आपके लिए प्रसारित कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि टीचिंग प्रोफेशन में बहुत कम लोगों ने अपना अनुभव सबके साथ शेयर किया है और बहुत सारे कम लोगों को ये पता नहीं है कि आज जो ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए हम लोग क्या क्या अच्छा बच्चों के लिए नहीं कर सकते, या कुछ जो बच्चे लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुए हैं उनके जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से, या उनका जो बाकी कुछ माइनस पॉइंट्स था पढ़ाई में उसकी वजह से भी वो उसके ऊपर अपना विक्ट्री करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं ये आप देख सकते हो। आज मुझे आपको बताने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन आज मैं खाली आपके लिए मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिसके वजह से मेरे बच्चों को मैं बहुत सारा बूस्ट कर पाई हूँ। एज अ आर्ट एंड टीचर हमेशा कैसे लगता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ अ ओनली हॉबी सब्जेक्ट्स। कुछ बच्चों को ज़्यादा भगवान ने क्रिएटिविटी दी होती है, उनको म्यूज़िक में, राइटिंग में, पोएट्री में सब में इंटरेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी वो पढ़ाई में बहुत कम काम कर जाते हैं। और मेरा खुद का भी वैसा ही था। मैं मेरे स्कूल डेज में बहुत कम थी मेरे मैथ्स में, और मेरा कुछ जो कुछ बाकी परफॉर्मेंस था, आई वॉज़ वेरी शाई चाइल्ड इन द स्कूल। बट मुझे पता लगा कि मेरा 12 इयर्स के बाद जो मैंने खुद का कॉन्फिडेंस ये किया वो मेरी टीचर के वजह से किया। मेरी मम्मी भी टीचर थी, मेरे घर में सोशल एटमॉस्फेयर था, डैडी वाज सोशल वर्कर। मुझे कभी फोर्स नहीं किया गया कि आप यही करो, आपको इतने ही मार्क्स लाने हैं, कुछ भी नहीं। कभी भी मैं प्रोग्रेस कार्ड दिखाती थी तो मेरे डैडी बोल रहे थे, अच्छा पास हो गए, चलो ठीक है, अगली बार कुछ कम है तो अच्छा कर देना। कभी मुझे इसकी वजह से कभी भी ही टेंशन नहीं ली। लेकिन आजकल क्या हो गया, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे प्रेशराइज हो रहे हैं। बच्चों को करना है डांस, पेरेंट डाल रहे हैं ड्रामा में। ड्रामा इज़ अ वेरी क्लासिकल थिंग। मेरे लिए भी जो आर्ट्स है वो सब परफॉर्मिंग आर्ट्स है या अदर आर्ट्स है, वो सभी विजुअल आर्ट्स है, सब अच्छे हैं। जिसकी वजह से बच्चा हैप्पी रहे और बच्चा उसमें खुद कुछ कर सके। देखो, कभी भी पढ़ाई तो अच्छी है, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो भी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है और फिर कुछ भी कोई अदर प्रोफेशन में चले जाए पर पेरेंट ने फोर्स किया है कि चलो बच्चों अभी आपको इंजीनियर ही बनना है, आपने इतने मार्क्स लाने हैं। और बच्चा तो बहुत अच्छा है डिज़ाइनिंग में। मुझे भी बहुत कभी कभी बुरा लगता है कि बोलते हैं पेरेंट्स की अभी ना उसको बहुत अच्छे प्राइजेस मिले ड्राइंग में, तो हॉबी के लिए अच्छा है, लेकिन वो आगे जाके तो उसके डैडी के जैसा इंजीनियर ही बनेगा। बच्चों को कभी पूछा नहीं जाता है कि उसको क्या बनना चाहता है। कुछ कुछ पेरेंट्स हैं जो अवेयर है अपने बच्चों के लिए और बच्चों की खुशी चाहते हैं, वो तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन जो पेरेंट अपने बच्चों को आपकी खुद की जो अकम्पलिशमेंट है उसके पीछे लगा देते हैं, वो सबसे बुरी बात है और वो बहुत हो रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के यहाँ एक डॉक्टर पेरेंट्स थे, दोनों भी डॉक्टर थे, और बच्ची एक ही बच्ची इकलौती, बहुत सुंदर थे, उसका आर्ट, उसकी क्रिएटिविटी, प्राइज़ विनर एवरीवेयर, पढ़ाई में भी अच्छी थी। बट अभी क्या हो रहा है कि घर में 5th स्टैंडर्ड के बाद उसको पूरा के पूरा बोल दिया गया है कि पेंटिंग ड्राइंग करना ही नहीं। वो छुप छुप के पर्दे के पीछे जाके घर रूम में बंद करके खुद को फिर करती थी। ये कितना बुरा है कि आप आर्ट को इतना कम महत्व दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया में सब खुशी है, जो सौंदर्य है, जो सब है, वो आर्ट की वजह से है। सो ये जो सब बातें हैं ये समझने जैसी है। और एज एक आर्ट टीचर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ने ये थोड़ा सा देखना चाहिए। उल्टा भी है, कुछ कुछ बच्चों दे हेट ड्राइंग, दे हेट क्राफ्ट, उनको नहीं आता है, तो मैं उनको क्यों फोर्स करूँ ना कि उनको करना ही नहीं है। ठीक है, जैसा आए वैसा कर दे। सभी सभी सब्जेक्ट के लिए अभी क्लासेस में ऐसा ही होता है
कि सभी सबके पासिंग के मार्क तो बच्चों को आने चाहिए। मेरा मतलब उनको आर्ट सिखाने से ये है, जिनको पसंद नहीं कि आप बड़े होके आपके घर का कलर स्कीम तो सिलेक्ट कर सके, आपके घर के पर्दे और बेडशीट कौन सुंदर दिखेगा वो तो कर सके, यही मेरा उनके उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है। ऐसा कुछ भी नहीं कि फोर्स से उनको आर्ट आना ही चाहिए, नहीं है। वो आर्टिस्टिक व्यक्ति बन सके, उनका कलात्मक दृष्टिकोण बन सके, ये ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और एज आर्ट टीचर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस जिस बच्चों ने मेरे कुछ अचीव किया है, मैं 25 साल से देख रही हूँ, कोई कोई तो इंटरनेशनल लेवल तक डिज़ाइनर होके पहुँच गए हैं, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, इटली में शो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम रास्ता दिखाते हैं, रास्ता खुद जाके चलना तो उनका ही खुद का ही काम है। तो वो जो स्ट्रगल करके, वो भी इजी बात नहीं है। रिसेशन आया था यूएस में, बहुत सारे डिज़ाइनरों को वापस भेज दिया गया था, और उस टाइम में वो बहुत नीचे ऐसे हो गए थे कि क्या करें टीचर, अभी हम लोग को इंडिया में करने को कुछ नहीं है। इंडिया में ज़्यादा नहीं जाता है, डिज़ाइनिंग का एक ट्रेंड है और उसमें ही चलता है। क्रिएटिविटी आपकी इतनी खुल के नहीं आती है जितनी बाहर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आती है। तो ऐसे बच्चों को उस टाइम मैंने बोला कि थोड़ा ग्राफिक्स चालू करो, थोड़ा ज्वेलरी चालू करो, जो जिसमें आपका क्रिएटिविटी निकल सके वो चालू करो। सो इसमें मुझे यही बोलना है कि आप जब भी देखते हो, आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये सुंदर है तो क्रिएटिविटी है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी का लिखाई हो सकती है, किसी का कविता हो सकती है, किसी का पेंटिंग हो सकता है, किसी का गाना हो सकता है। वो भगवान ने इसीलिए दुनिया में दिया है कि आदमी को सुकून मिल सके, आदमी को हैप्पीनेस मिल सके। उसको कुछ पैसा कमाने के लिए तो ज़रिया है, लेकिन वो जो बेस्ट हो जाता है, सबको पसंद आता है, उसी वक्त वो पैसा कमाने लगता है। ऐसा कोई उठ के पैसा नहीं कमा सकता, उसमें बहुत मेहनत है। सो जब आप कभी भी आर्ट का प्लेटफॉर्म चूज़ करते हो, आपकी करियर पे करियर एज अ करियर चूज़ करते हो, उस टाइम आपको ज़्यादा स्ट्रगल पड़ता है, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है, और दूसरे लोगों से ज़्यादा आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, आपको अलग नज़रिए से देखा जाता है। ऐसे बोला जाता है कि कलाकार जो होता है वो राजा के साथ में बैठता है, राजा के आगे झुकता नहीं, राजा उसको हमेशा पहले ज़माने से बहुत सराहता आया है। कला ही ऐसी है जो बहुत आपको ऊपर उठा के जाती है और हमेशा फर्स्ट रो में बिठा देती है। तो हमेशा जब आप कौन सी भी कला, आप जब आपको लगता है कि मैं करियर एज अ करियर ले लूं, तो आपको उसको पूरा पूरा टाइम देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज मुझे सक्सेस मिल गई तो मैं हो गया, चलो, ऐसा भी नहीं है। सो ये मेरा पहला वीडियो गाइस, और आप देखते जाएंगे, मैं धीरे धीरे आपको बोलूँगी, मेरे कुछ एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए आपके साथ इतनी बात है, और कुछ लेके आऊँगी, नया नया निकल आऊँगी, ये तो शुरुआत।